ओ देखो ये घड़ी क्या आया, कैसे भेजे थे हम और कैसे आ गया। हाँ हाँ अरे बाबा, तो नया माल दे दिया पूरा। तो हमने बोट का स्मार्ट वॉच रिप्लेसमेंट में दिया था, और इसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो फिर से नया प्रोडक्ट रिसीव हो गया। एक नया चार्जर रिसीव हो गया और घड़ी तो नया मिल ही गया। फुल प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट हो गया है मेरा बोट का स्मार्ट वॉच। जिस कलर में था उसी कलर में मिल गया है, और ये बटन जो है ये बटन खराब हो गया था पसीने से। पसीने से खराब नहीं, क्या बोलूँ मैं यार, इसमें 50 IP55 का कुछ दिया है। देखो स्टिकर वगैरह जैसे मिला है सब मिल गया, वो लोग घड़ी रख ले, और ये मेरे पास एक चार्जर एक्स्ट्रा हो गया। तो मैं अगर इसका फीचर दिखाऊं तो इसके फीचर में आपको मिलेगा कि यहाँ पे ये जो है पूरा बटन जाम हो गया था, और वाइट वाइट कलर का कुछ निकल रहा था सॉल्ट जैसा। तो ये कैसा हुआ, स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे ये एमोलेड बेमोलेड ही तो IP65 यहाँ पे देखो अब लोग दिख रहा है। अरे फोकस हो जा भाई, जो भी है यहाँ पे फोकस ऐसे नहीं होगा, इसको ऑन करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना IP65 एकदम क्लियर। पसीना भाई बारिश में भी भीगा लेकिन कुछ हुआ नहीं। और बोट का ये सब बुक्स भाई ये सब बंद करो यार, पेपरलेस करो। एक QR देते हो ना यहाँ पे, एक QR देते हो ना यहाँ पे, बस हो गया। और ये क्या है तुम्हारा बोट का 1 ईयर वारंटी, फिर से दिस प्रोडक्ट कम्स विद 1 ईयर वारंटी, उसको फिर से वारंटी मिल गया। अब फिर से शायद ये 2 महीने बाद जाएगा। हाँ देखते हैं, ये वीडियो हम ऐसे ही बना रहे, छोटा सा जो 1:1 होता है उसी में बना रहे। और घड़ी एकदम पूरा नया, और उसके पसीने में वो रबर भी पूरा एकदम वाइट वाइट हो गया था, इधर भी है। बाकी अब देखते हैं कि घड़ी ऑन करते हैं। चलो बटन तो ठीक ही है भाई, ये तो काम कर रहा है। ये वाला बटन कुछ नहीं हुआ था, ये वाला जो बटन है उसमें, तो यही वाला ऐसे डिज़ाइन में दो ना, इसी इसको लग रहा है ये पूरा वाटरप्रूफ है। इसको कहीं से नहीं लग रहा है कि वाटरप्रूफ है, इसमें 65 IP65 रेटिंग दिया हुआ है। हो जा भाई फोकस, हाँ हो गया। कहीं से लग रहा है आपको इसमें कि ये IP65 है? व्हील सब कुछ ठीक है, ये भी ठीक है। बोट का ये प्रोडक्ट एकदम जबरदस्त है, मैंने इसको 2700 रुपये दे के खरीदा है, जबरदस्त है। चलो अब घड़ी को ऑन करते हैं ज़्यादा ना बोलते हुए। देखो मेरा कैमरा दिख रहा है इधर फोन का, और ये हम पीछे, ये लो स्किप मारो इसको पहले। हाँ वो चार्ज तो नहीं है, इसको बंद करो। मेनू 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 कहाँ है मेरा मेनू, ये रहा मेनू। हाँ भाई सही है एकदम, मैंने इसके ऊपर प्रोटेक्टर लगाया था, और इसके ऊपर अब फिर से प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा। बाकी तो भाई सब कुछ सही है। एक बार ये चेक कर लेते हैं, इधर से उठाओ। हाँ ये चेक कर लेते हैं इसका ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ठीक है, लेवल ठीक है एकदम। घड़ी तो भैया नया मिल गया, लेकिन बात तो फिर वही आ गया ना, इसके अंदर ई बटन के अंदर अगर पसीना वसीना घुसता है या पानी वानी जाता है तो सफ़ेद सफ़ेद क्या हो जाता है। ये जो ऐसा भी प्रेस हो रहा है तब जाम हो जा रहा था, प्रेस नहीं होता। इस टाइप का बटन करना चाहिए यार, इस टाइप का बटन दोगे तो ये देख के लगता है कि इसमें वाटर प्रूफ वगैरह का सिस्टम दिया हुआ है। काहे का इसको निकाल के रखने का ज़रूरत है, ये वाला मॉडल है सर। ये व्हील है ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने ये बोट का रिप्लेसमेंट दिया था, और अच्छा वाला एकदम प्रोडक्ट आ गया है यहाँ पे। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि बोट का जो मैंने स्मार्ट वॉच लिया वो बढ़िया है। बाकी सब कंपनी का है और भी बहुत सारा स्मार्ट वॉच है। इसका मैं एक बार ये दिखा देता हूँ कौन सा वाला मॉडल है ये मैं भूल गया दिखाना आप लोगों को, बस वीडियो मज़े मज़े ही बना रहा हूँ। ये एलिवेट प्रो है, ये देखो लिखा हुआ है इधर, ये वोट एलिवेट प्रो है। अभी वोट के साइट में जाओगे तो आपको कम में मिल जाएगा, 200 रुपये से 150-200 रुपये कम हो गया। हर कंपनी का मैं कुछ ना कुछ चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ,
तो ऐसे करते रहना चाहिए ताकि आपको आइडिया मिले, वास्ट आइडिया, कि भाई कौन से कंपनी का कौन सा क्या कुछ बेटर है। और मैं ये बता दूं कि मैंने जो उस घड़ी को ख़रीदा था, ये घड़ी को मैंने ख़रीदा था आज से 2 महीने पहले, ठीक है। 2 महीने तक मैंने यूज़ किया और 2 महीने की यूज़ करने के बाद इसमें पसीना पसीने लगा, बारिश का मौसम चल रहा था, धीरे-धीरे शुरू भी हो गया इधर चल रहा था, तो चलते 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 उसका ये जो बटन है जे ये अटक गया, बंद नहीं हुआ, घड़ी ख़राब नहीं हुआ, अटक गया ऐसे दब के। फिर मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ रहा था, फिर निकल रहा था उसे, तो अभी रिप्लेसमेंट में आ गया। अभी देखते हैं, फिर वीडियो बनाएंगे, अगर फिर रिप्लेसमेंट करना होगा तो फिर रिप्लेसमेंट कर देंगे। फिर बोर्ड वालों को बोलेंगे हम कि भाई प्रोडक्ट में आपका मॉडिफिकेशंस ज़रूरी है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो अभी रात के बज गए हैं 12:15 और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे ही रहेगा, सुनते रहो बस, और कुछ नहीं।